प्यारे बच्चे चलिए आइए चलते हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का क्लास को जारी रखते हैं। क्लास 12th फिजिक्स। प्यारे बच्चों क्लास 12th में फिजिक्स जहां हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे चल रहा था विद्युतीय यंत्र, जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में सीखे, संट के बारे में सीखे कि क्या होता है, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में हम लोग सीखे। चलिए आगे हम लोग अगर बात करें तो अभी हम लोग खंड दो में पढ़ रहे हैं। खंड टू का नाम है प्यारे बच्चों धारा विद्युत। ये धारा विद्युत वाले चैप्टर में हम लोग 4 नंबर चैप्टर तक के पहुंच गए हैं, जिसका नाम है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। ये चौथा चैप्टर है खंड टू का, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। तो अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसमें हम लोग और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो टॉपिक लेना है वो है चुंबकीय फ्लक्स। प्यारे बच्चों डाइवर्ट नहीं हो जाए होइएगा, क्योंकि हम लोग विद्युतीय फ्लक्स पढ़े हैं, उसी तरह से अब आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स। अब जरा चुंबकीय फ्लक्स क्या है इसको समझने के लिए पहले कुछ बात हम लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग समझेंगे। तो चलिए चुंबकीय फ्लक्स का फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे। लिखा जाए फर्स्ट एरो में चुंबकीय क्षेत्र बी और उससे संबद्ध क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, चुंबकीय फ्लक्स को d फाई द्वारा सूचित किया जाता है। पहले बच्चों d फाई क्या है, अब जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ऐसा पता चल रहा है कि एक यहां पे मोड़ा हुआ कागज लिया गया है, अब इसके बीच का मान लिया जाए किसी पॉइंट पे एक डीए कट गया है, यानी कि पूरा कुछ ना कुछ पेज का क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चों हम यहां पे मान लिए हैं डीए, यानी कि यहां पे कट डाल दिया गया है, डीए कट डाले हुए हैं बीच में। अगर इस कट से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सपोज दैट ये होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग बी से सूचित करते हैं, और एक इससे संबंध कुछ एंगल बनाकर, यानी कि थीटा एंगल बनाकर। प्यारे बच्चों अगर मान लिया जाए पूरा का पूरा, अगर हमें एरिया ए रहेगा, पूरा का पूरा एरिया ए है, ए डिनोट्स कर रहा है पूरा का पेज का एरिया, और कुछ थीटा एंगल बनाकर जो हम कट किए हैं यहां पे ये वाला भाग में, उसका छोटा सा क्षेत्रफल क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, डीए। अब इससे जो चुंबकीय क्षेत्र थीटा एंगल पे निकलेगा उसको अगर गुना कर दिया जाए प्यारे बच्चों, तो वो निकल जाता है चुंबकीय फ्लक्स। जरा चीजों को समझिएगा। और चुंबकीय फ्लक्स को क्या किससे सूचित किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स ये फिगर बना लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र को गुना करते हैं, क्रॉस करते हैं सदिश योगफल, अदिश गुणनफल, तो डॉट एंड चुंबकीय क्षेत्र इनटू संबद्ध क्षेत्रफल। संबद्ध क्षेत्रफल किसको कहेंगे प्यारे बच्चों,
तो चलिए चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग डीफाई से सूचित करते हैं, तो यहां डीफाई लिख दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या प्यारे बच्चों, बी वेक्टर, और संबद्ध क्षेत्रफल कौन है, डीए, तो बी डॉट डीए, यही है आपका चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स बराबर बी डॉट डीए। प्यारे बच्चों बी डॉट डीए। अच्छा, जब इसको समाकलन किया जाता है तब क्या क्या प्राप्त होता है, तो उसके नीचे लिखेंगे समाकलन करने पर। जब समाकलन करेंगे तो इधर बनेगा डी फाई यानी कि इंटीग्रेशन, और यहां बनेगा बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। तेरे बच्चों जगह का कमी है, चलिए हम ऊपर से मिटाते हैं, लिखते हैं, तो क्या बनेगा आगे, हम हमेशा बोले हैं कि डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है तेरे बच्चों एक्स होता है, तो यहां डी फाई है, तो डी फाई का क्या इंटीग्रेशन बनेगा, फाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, हमेशा कितना होता है, ए डॉट बी हमेशा होता है ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आप तोड़ेंगे इसको, तो यहां बनेगा बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे फाई, प्यारे बच्चों प्रूफ करने के लिए, फार्मूला को प्रूफ करने के लिए यहां पे जो थीटा का मान रखा जाता है वो जीरो डिग्री रखा जाता है, तो आप थीटा के जगह पे जीरो रखेंगे। फिलहाल बी एक कांस्टेंट है तो बी को बाहर निकाल लेंगे, यहां बचेगा डी ए इंटू कॉस जीरो डिग्री, तो यहां पे बन जाएगा फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, वन। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे जो हम लोग का रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू में ए, जहां फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, देखिए सबका नाम का मतलब फर्क है, ए का मतलब क्षेत्रफल। तो याद रहेगा ना कि फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा, अभी हम लोग निकालने वाले हैं, फिलहाल फ्लक्स का फॉर्मूला, अगर चुंबकीय क्षेत्र को अगर एरिया से गुणा कर दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स, तो इस फॉर्मूले को भी लिख लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला प्रूफ करने के बाद उसके नीचे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर, इसको डब्ल्यू बी से भी सूचित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, इसको डब्ल्यू बी से भी सूचित किया जाता है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो में, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है ना, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का लिखिएगा, देखिए क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का तो भी हमको पता चल गया ना प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक हमेशा लिखना है वेबर, लेकिन अभी जो हम लोग फिर से लिखवा रहे हैं उसका मतलब समझ लीजिए पहले, तभी लिखिएगा, अभी छोड़ दीजिए, ये लिखिए कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, एबर, वेबर। चूंकि प्यारे छात्रों डब्ल्यू थीटा बोल रहे फाई, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू में ए। अब यहां से अगर B का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो B का वैल्यू, तो A कहां चला जाएगा, नीचे, तो ऊपर होगा फाइव बट्टा में A। प्यारे बच्चों अगर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का आंसर क्या करते हैं, टेस्ला, आंसर क्या करते हैं, टेस्ला, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो होगा वो टेस्ला होगा, और यहां पे ये है फ्लक्स, तो फ्लक्स का आंसर वेबर, और यहां क्या, मीटर स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी का एसआई मात्रक, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, यही बात हम वहां लिखवाने वाले थे। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हम लोग पिछले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ टेस्ला पढ़ते थे, लेकिन आज हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग टेस्ला जानते थे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, लेकिन टेस्ला के अलावा एक और चीज होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर एसआई मात्रक का अगर बात करें
तो पुनः उसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे पुनः फाई बराबर क्या बी इंटू में ए। पहले छात्रों बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू टेस्ला, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर, तो इसलिए नोट में करके लिखिएगा, नोट में करके चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्र टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर भी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर भी होता है। तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में अगर पूछेगा तो हम यही बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और उससे संबद्ध जो क्षेत्रफल है आप उसको गुणा करा दीजिए, और जो गुणा करा कर आएगा वो हम लोगों को चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू देगी। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्यारे बच्चों, वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर हमको सवाल आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक सिर्फ टेस्ला भी बता सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बता सकते हैं। और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग टॉपिक्स को वीवीआई करना भूल गए थे, आप बिल्कुल इसको वीवीआई कर दीजिए चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो ये चुंबकीय फ्लक्स होता है, जैसे कि हम लोग विद्युतीय फ्लक्स पढ़ते हैं ऐसे ही हम लोग का चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ना होता है, और उसको हम लोग अभी पढ़े। चलिए उसके बाद का टॉपिक, टॉपिक रहेंगे विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। टॉपिक है ये विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। अब ये क्या है, सबसे पहले फर्स्ट अब देंगे लिखेंगे, फैराडे ने 1831 ईस्वी में अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह बताया कि किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है, उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। प्यारे बच्चों चलिए भी हम लोग समझते हैं। अब जो मेरा मेन जो चैप्टर है जिसका नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चलिए तो आइए अब हम लोग सीखते हैं मेन टॉपिक्स पे। वो एक तो चुंबकीय फ्लक्स एक अलग टॉपिक्स था इसी चैप्टर में, तो उसको हम लोग पढ़ लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये होता है कि हम लोग का चुंबकीय प्रेरण के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुंबकीय प्रेरण क्या है प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाला टॉपिक है। सर्वप्रथम अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फैराडे, पूरा नाम इनका होता है माइकल फैराडे, और माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में इस प्रेरण का खोज किया था, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है प्यारे बच्चों जरा समझिएगा।
सबसे पहले तो हम लोग परिनालिका पढ़े। परिनालिका जानते हैं कि क्या होता है। एक पाइप होता है और उस पे तार की लपेटों की संख्या होती है और उस तार में एनामल की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो आसपास में मिलकर शॉर्ट सर्किट न हो जाए। तो प्यारे बच्चों, परिनालिका में हम लोग देखे हैं कि उस पाइप पे एक क्रॉड पे बहुत फेरों की संख्या होती है तार की। वैसे ही तार की कुंडली है, फेरों की संख्या है, वो स्थिर है प्यारे बच्चों। यानी कि एक एक गैल्वेनोमीटर में जो कुंडली आती है उसको आप पकड़ के बैठे हो, ठीक है, समझिएगा चीजों को क्या बोला जा रहा है। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर है, हम उसको गैल्वेनोमीटर में जो गैल्वेनोमीटर बोले या फिर आप बोल लो गैल्वेनोमीटर से संबंध, हम लोग पिछले बार टेरॉइड भी पढ़े थे तो आप टेरॉइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप गैल्वेनोमीटर पकड़ रहे हो जिसमें तारों की लपेटों की संख्या है और उसमें करंट नहीं दो, आप उसमें बैटरी नहीं जड़ो, आपको एक हाई शक्ति वाला हाई पावरफुल आपको चुंबक लेना है और उस स्थिर रखा हुआ गैल्वेनोमीटर या टेरॉइड या परिनालिका जो भी है आपको, वो तो स्थिर है। अब आपको उसके सामने से एक हाई शक्ति वाला चुंबक को तेजी से दौड़ा के लाना है प्यारे बच्चों। तो अगर फैराडे साहब ने यह प्रयोग किया था तो उन्होंने ही यह बात बताया था 1831 ईस्वी में कि आप परिनालिका हो, गैल्वेनोमीटर हो या टेरॉइड हो जिसपे अनेक फेरों की लपेटों की संख्या होनी चाहिए तार की, आप उसको लेकर बैठे रहिए और एक हाई शक्ति वाला चुंबक को तेजी से उसके तरफ दौड़ाइए। तो दौड़ाते समय कुछ सेकंड के लिए उस परिनालिका में लपेटे हुए तार में करंट आ जाता है। प्यारे बच्चों, आपको शॉर्ट लग रहा होगा, यही तो फिजिक्स का लॉ है, यही फिजिक्स का नियम है, आपको मानना पड़ेगा इन चीजों को प्यारे बच्चों। तो बोला कैसे जा रहा, कैसे जा रहा है कि अगर देखिए फैराडे ने क्या क्या प्रयोग किया। सबसे पहले एक परिनालिका को, एक गैल्वेनोमीटर को हाथ में पकड़कर स्थिर रखा, अपने एक दोस्त से, साथी से एक हाई बड़ा चुंबक को तेजी से उसके तरफ, क्योंकि हम तो गैल्वेनोमीटर लेके बैठे हुए हैं या फिर बोले तो एक परिनालिका लेकर बैठे हुए हैं, मेरा एक दोस्त सामने से या फिर किधर से भी चुंबक के तरफ तेजी से दौड़ते हुए आया। तो जैसे ही तेजी से दौड़ते हुए आया तो फैराडे को यह पता चला कि जब चुंबक तेजी से आ रहा था किसके तरफ, परिनालिका के तरफ, तो परिनालिका में कुछ ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ धारा आ जा रहा था। ऑटोमेटिक यानी कि बिना करंट दिए ही परिनालिका में विद्युत धारा प्राप्त हो जा रहा था कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही वो चुंबक रुक जा रहा था धारा ऑटोमेटिक खत्म हो जा रहा था। प्यारे बच्चों, दूसरा भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, इस बार गैल्वेनोमीटर को अपनी जगह पे स्थिर रखा और चुंबक को इसके पास रखा, यानी कि चुंबक और गैल्वेनोमीटर या फिर परिनालिका दोनों को पास में रखा। लेकिन इस बार क्या किया कि इस बार चुंबक को इस परिनालिका से तेजी से दूर ले गया, कौन, फैराडे। यानी कि एक बार इसके तरफ लाया गया चुंबक को, एक बार इससे दूर ले जाया गया। तो प्यारे बच्चों, जब इसको इस परिनालिका से चुंबक को तेजी से दूर ले जाया गया तब पर भी ये पाया कि इसके परिनालिका में करंट आ जा रहा है लेकिन उल्टी दिशा में आ रहा है। जैसे मान लिया कि इधर लाने पे ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो यहां से ले जाने में उल्टी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों, ये पता चला कि गैल्वेनोमीटर को आप स्थिर रखो या परिनालिका को स्थिर रखो, अगर कोई हाई पावरफुल वाला चुंबक इसके तरफ तेजी से दौड़ के आएगा तब पर भी इसमें जो लपेटा गया तार है उसमें ऑटोमेटिक करंट आएगा, ठीक है। अब ये तो आश्चर्य करने वाला बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब इसके पास रखा हुआ चुंबक को तेजी से दूर ले जाया जाए तब पर भी करंट आएगा लेकिन उल्टी दिशा में आएगा। अभी तक के तो दो एक्सपेरिमेंट हुआ प्यारे बच्चों, अब आपको चार एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। इस बार हम लोग चुंबक को दौड़ा रहे थे, चुंबक को इससे दूर ले जा रहे थे या फिर चुंबक को इसके पास ला रहे थे तब करंट आ जा रहा था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं,
चुंबक को स्थिर रख रहे हैं, अब गैल्वेनोमीटर को दौड़ा रहे हैं। यही सब तो साइंटिस्ट लोग करते हैं, बैठकर प्रयोग करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या होता है। और उन्हीं सबके द्वारा प्रयोग किया गया जो बात है, अगर अप्रूवल हो जाता है, माना जाएगा, माना जा चुका है, तो फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं। यानी इस बार क्या किया गया, चुंबक को स्थिर रखा गया और गैल्वेनोमीटर या फिर परिनालिका को तेजी से दौड़ाया गया। इसमें भी दो कंडीशन प्यारे बच्चों, पहला कंडीशन ये कि आप चुंबक को तो स्थिर रखना है और गैल्वेनोमीटर को तेजी से दौड़ाओ, तब पर भी ऑटोमेटिक किसमें आ रहा है करंट, गैल्वेनोमीटर में। या फिर इस बार गैल्वेनोमीटर को और चुंबक को साथ में रखो और गैल्वेनोमीटर को तेजी से दूर ले जाया गया, तब पर भी गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ धारा आ जा रहा है। प्यारे बच्चों आप ये बात समझें कि जब किसी कुंडली को एक प्रबल चुंबक के सापेक्ष अगर गति कराया जाए तो ऑटोमेटिक उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रेरित विद्युत धारा। विद्युत धारा के आगे क्या लगा देंगे, प्रेरित। अब प्रेरित का मतलब होता है कि इसमें कोई बैटरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें गति का इस्तेमाल किया गया है और गति का मेन रोल है। अगर मान लिया कि एक चुंबक है और गैल्वेनोमीटर को तेजी से दौड़ा के और यहां रोक दे रहे हैं, रुक जा रहा है इसके पास, तब ऑटोमेटिक धारा खत्म। यानी कि धारा तब तक लागू होगा जब तक कि वो गतिशील होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब कि प्रेरित धारा किसको कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अहम सवाल। तो हम लिखेंगे या फिर किसी को बताएंगे कि जब किसी कुंडली को एक प्रबल शक्ति के चुंबक के सापेक्ष अगर गति कराया जाए तो उस कुंडली में स्वतः अपने आप विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है या विद्युत धारा आ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। अब विद्युत वाहक बल के भी आगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्यारे बच्चों सिंपल है कि अगर करंट आ रहा है तो वहां पे विद्युत वाहक बल भी होगा, और किसके वजह से होगा, तो गति के वजह से होगा। समझ रहे ना प्यारे बच्चों। यानी कि कोई भी कुंडली हो, कोई भी कुंडली का मतलब क्या प्यारे बच्चों, सभी जितना भी विद्युतीय यंत्र देखे हम लोग, सब में ना कहीं कुंडली तो इस्तेमाल हुआ ही है। यूं बोले तो टेरॉइड पढ़े हैं, परिनालिका पढ़े हैं, गैल्वेनोमीटर पढ़े हैं, एमीटर और वोल्टमीटर भी पढ़े हैं, जिसमें सब में कुंडली रहता है। और कुंडली में तार के लपेटों की संख्या का यूज करके उसका निर्माण किया जाता है, हम लोग बनावट पढ़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये था विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, जिसमें हम लोग सीखे कि प्रेरित विद्युत धारा क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो इन सभी सारे चीजों को